अब इसके नेपथ्य में आज मैं क्यों जाना चाहता हूं, जो पहले जो हमने वीडियो दिखाया था उसका इससे क्या रिश्ता है, वो रिश्ता मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कुछ केमिकल बने, उस केमिकल से कुछ दवाइयां बननी शुरू हुई। हाँ, उससे दवाइयां बननी शुरू हुई। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम विद रॉकफेलर प्लांट मेडिकल इंडस्ट्री। अब वो तो दवाई, वो जब दवाइयां बननी तो शुरू हुई, लेकिन रॉकफेलर को लगा कि ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं, और जैसे हमने पेट्रोलियम में अपना बाजार मोनोपोली कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से हम मेडिकल हेल्थ केयर में मोनोपोली कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अभी ध्यान से देखते रहिए, मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं, ध्यान से गंभीरता से इस शो को आप देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि 91% का डिस्काउंट कैसे दिया जाता है दवाइयों पे, और कैसे ये चमकते हॉस्पिटल बन रहे हैं। डॉक्टर्स उसमें बेचारे जिनको मालूम नहीं है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, और किस प्रकार से इनके हाथ के खिलौने बनते जा रहे हैं। तो रॉकफेलर को लगा कि भाई ये होगा कैसे। उस वक्त हो क्या रहा था अमेरिका में, अमेरिका में नेचुरोपैथी और जो होम्योपैथी था ये सब प्रचलन में था, और उसके माध्यम से लोग अपना इलाज कराते थे। लेकिन उनको लगा कि जब तक ये जो नेचुरोपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं इनको जब तक हम किल नहीं करेंगे, इसको जब अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे, तब तक हम अपना हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी, अपना हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका पर नहीं थोप सकते। तो उन्होंने अपने मित्र कार्नेगी, एंड्रयू कार्नेगी, जो स्टील का सबसे बड़ा मैग्नेट कहा जाता है उनको, स्टील का सबसे बड़ा व्यापारी था, स्टील वो प्रोड्यूस करते थे, और उनको एक मॉडर्न मेकर्स ऑफ अमेरिका में जाना जाता है, जिसको आप बाद में डेल कार्नेगी और एंड्रयू कार्नेगी समझते हैं। एंड्रयू कार्नेगी जो उनके दोस्त थे उनसे मुलाकात की, और फिर एंड्रयू कार्नेगी ने एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना करके कार्नेगी ट्रस्ट बना, और फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको अगर आप इस सेक्टर को, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर को अगर आप कब्जे में लेना चाहते हैं, तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि अमेरिका में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल सेक्टर्स हैं, उसमें इलाज हो कैसे रहा है, उसकी पढ़ाई क्या क्या तरीका है, यह पहले जाना जाए। और फिर उन्होंने फ्लेक्सनर के अध्यक्षता में, फ्लेक्सनर ही बल्कि वो व्यक्ति था जिसको कहा कि आप पूरे अमेरिका का भ्रमण कीजिए और आप ये तैयार कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए कि अमेरिका में हेल्थ केयर की स्थिति क्या है, यहां पर हेल्थ केयर के बारे में पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। ये सब जाकर के एक फ्लेक्सनर ने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि भाई यहां तो बड़े ही अजीब अजीब तरह के एडुकेशन चल रहे हैं, नेचुरोपैथी, पेड़ पौधों से इलाज हो रहे हैं, उनके कुछ निकाल करके उसका इलाज हो रहा है, अलग अलग रोग है उसका, और वो बहुत ही, उसका जो रिपोर्ट था फ्लेक्सनर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और यही आधार बना मॉडर्न मेडिसिन का। ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट जो आया वही आपके मॉडर्न मेडिसिन का आधार बढ़ा, और वही आधार बना करके डॉक्टर बीना राघव डॉक्टर बनी, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी डॉक्टर बने, और दुनिया भर के डॉक्टर आज उन्हीं के साइंस को पढ़ रहा है। और उनके साइंस का अप्रोच ये था कि टू गिव द पिल फॉर एवरी डिजीजेस, आप एक टैबलेट दे दीजिए, एक बूटी दे दीजिए, और वो ये निकालिए कि अगर कोई पौधा किसी बीमारी का इलाज कर सकता है तो उस पौधे से कौन सा इंग्रेडिएंट्स निकालेंगे जिसको कि हमारा जो केमिकल है, जो पेट्रोलियम है, उससे कौन सा केमिकल निकालेंगे जो उस इंग्रेडिएंट्स को मैच करता है। वैसा ही कुछ बनाओ, पौधा बनाने की जरूरत नहीं है, पौधे से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर पौधे से कुछ निकाल लो और फिर पेट्रोकेमिकल से हमारा जो केमिकल निकल जाता है उस दोनों को ब्लेंड करके अगर कुछ निकाल सकते हो, कोई दवाई बना सकते हो, तो उस पर शोध करो। और उस पर शोध किया गया, उससे कुछ रिलीफ भी मिला, लेकिन वो पूरा का पूरा आज की दुनिया के लिए अब फ्रॉडुलेंट हो रहा है।